ओम शांति। आज एक रियल स्टोरी से हम शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छा परिवार, खानदानी संस्कारी परिवार, सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की ओपिनियन लेते थे। और ऐसे इसमें एक तूफान आ गया, और वो तूफान कौन सा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बारे में धीरे धीरे हर एक के अलग अलग ओपिनियन होने लगे। कोई एक मत पर डिसाइड नहीं होता था इसका क्या करना है। और ऐसे होते होते कई सालों तक सिर्फ मीटिंग्स चलती रही, सिर्फ मीटिंग्स, ओनली सिटिंग, मीटिंग और ईटिंग्स, नो रिजल्ट्स एट ऑल, आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी उसका कंक्लूजन नहीं। और इसका रिजल्ट हर कोई कहता था, अरे कुछ रिजल्ट ही नहीं है तो क्यों हम सोचे, चलो ड्रॉप द टॉपिक, ऐसा सोचने लगे। लेकिन उसमें से एक जो बंदा था, उसने सोचा, अरे कुछ तो इसका रिजल्ट निकलना चाहिए ना। तो उसने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, और वो प्रैक्टिस कौन सी? उसने सुना था हमारा जो कम्युनिकेशन है ना, 10% कम्युनिकेशन इज वर्बल कम्युनिकेशन, जो वाचा के द्वारा होता है, एंड 90% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, नॉन वर्बल थॉट कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। उसने सोचा चलो मैं थॉट कम्युनिकेशन करता हूँ। और उसने क्या शुरू किया? उसने सोचा मैं शांति का प्रयोग करता हूँ, मैं शुभ भावना का प्रयोग करता हूँ। और उसने एक प्रैक्टिस शुरू की, SOS। व्हाट इज SOS? ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। S, इट स्टैंड्स फॉर जस्ट स्टॉप, स्टॉप फॉर अ मोमेंट। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व, आप क्या सोच रहे हो। एंड अगेन S मीन्स स्विच फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी उसने प्रैक्टिस शुरू की, घंटे में एक मिनट, हर घंटे में एक मिनट, किसी से भी बात करते समय, कोई भी कार्य करते समय, वापस घंटे में एक मिनट। और उसने क्या शुरू किया? यस, एक मिनट के लिए जस्ट स्टॉप हो जाना, चेक करना मन में कौन सा थॉट चल रहा है, नेगेटिव, चिंता वाला। और फिर उस थॉट को वो बदल देता था, और इस हिसाब से बदला, परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे के सहमति से, एक दूसरे के बहुत अच्छे प्यार से, खुशी खुशी से, सभी एक डिसीजन पर आ गए हैं, और खुशी खुशी से ये सारा प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से समाधान में सफलतापूर्वक बदल गया है। और यही थॉट वो बार बार करता था, और कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं, और रिजल्ट, प्रॉब्लम गॉट सॉल्व्ड। सिंपल, हमें क्या करना है? हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स शांति से सॉल्व हो सकते हैं ना। शांति माना शून्य विचार नहीं, शांति माना मन को शुभ संकल्पों में रखना, शांति माना स्टेबल, स्थिरता, हार्मनी, सद्भावना, बैलेंस, शांति माना नेगेटिविटी से मुक्ति, शांति माना बहुत सुंदर एक्सेप्टेंस, धीरज। और इसकी प्रैक्टिस तो हमें करनी है चलते फिरते, एंड जो सी द मिराकल्स। जब हम ऐसे शांति का अनुभव करेंगे ना, तो आप देखेंगे कोई भी शुभ संकल्प आप उसमें डाल दोगे, उस शांति के सागर में आप देखोगे आपको संकल्प के सिद्धि मिल जाएंगे, चमत्कार हो जाएंगे। तो करें, आज से प्रैक्टिस शुरू करें, SOS, SOS, हैप्पी डे।